हेलो व्यूअर्स, क्रिकेट लाइन की रुके प्री मैच एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। भाई सीपीएल के फर्स्ट मैच में हेटमायर और रोमारियो शेफर्ड की उम्दा परफॉर्मेंस ने त्रिनबागो की 12 मैचेस से चल रही अनबीटन स्ट्रीक को तोड़ दिया है। तो वहीं सेकंड मैच में शर्फिन रदरफोर्ड और डीजे ब्रावो की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स 21 रनों से पहला मैच जीत चुका है। और अब बारी है सीपीएल 2021 के थर्ड मैच की, जहां जमैका तालाबाज भिड़ेंगे सेंट लुशिया किंग्स से 27 अगस्त को रात 7:30 बजे से। अब यहां पर दोस्तों दोनों टीम्स का एक छोटा सा अगर हम ओवरव्यू करें तो यहां जमैका तालाबाज का बैटिंग लाइनअप में थोड़ा सा डेप्थ कम है। ऑन द अदर हैंड सेंट लुशिया किंग्स काफी बैलेंस टीम नजर आ रही है। मूविंग ऑन टू द वेन्यू गाइस, सभी मैचेस वॉर्नर पार्क बिस्टेन सेंट किट्स में खेले जाने हैं। लास्ट दो मैचेस की बात करी जाए तो टीम्स हैव ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट, बट दोनों ही मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के हाथ लगे थे। यहां पर कैप्टन्स एक बार फिर पहले बॉलिंग करना चूज कर सकते हैं। सीपीएल 2021 के स्टैट्स की बात करी जाए तो स्कोर अबव 40 दो बल्लेबाजों ने बनाया है और अभी तक दो हाफ सेंचुरीज इस ग्राउंड पर जड़ी जा चुकी है। वहीं बात करी जाए बॉलर्स के परफॉर्मेंस की तो टोटल दो मैचेस में 26 विकेट्स चटकाए जा चुके हैं। पेसर्स के हाथ लगे हैं 18 विकेट तो स्पिनर्स ने चटकाए हैं 8 विकेट। चलिए अब जरा दोनों टीम्स पर फोकस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं जमैका तालाबाज की, तो टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कार्लोस ब्रैथवेट एंड आंद्रे रसल। ब्रैथवेट रिसेंटली शानदार परफॉर्म करते आए हैं एंड रसल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द स्क्वाड, ऑल्दो इनकी बल्लेबाजी उतनी कंसिस्टेंट नहीं रही है। टीम में ओवरसीज प्लेयर्स की बात करी जाए तो क्रिस ग्रीन, कायस अहमद और हैदर अली आपको देखने को मिलेंगे, जहां वंस अगेन हैदर अली एज अ बैट्समैन उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, बट कायस अहमद कैन बी इफेक्टिव। टीम के बैटिंग लाइनअप पर अगर हम गौर करें तो कोई बड़ा नाम देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट चैडविक वॉल्टन, जिनसे हम थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं, और फिडेल एडवर्ड्स, मिगेल पेट्रोरियस बॉलिंग यूनिट में डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। प्लस यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि फिडेल एडवर्ड्स उन गेंदबाजों में से हैं जो इस मैच में सेंट लुशिया किंग्स को परेशानी में डाल सकते हैं। ये तो हुई बात जमैका तालाबाज की, गौर करें सेंट लुशिया किंग्स पर, तो गाइस ये है वो टीम जो इस मैच को जीतने की प्रबल दावेदार है। टीम में बैटर्स और बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स का अच्छा बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। फ्रॉम द टॉप टीम के पास इफेक्टिव बैटर्स मौजूद हैं, फाफ डू प्लेसी, टिम डेविड, आंद्रे फ्लेचर और रखीम कॉर्नवॉल टीम को मजबूती देते हैं, प्लस रॉस्टन चेज और समित पटेल बैटिंग लाइनअप में डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड बॉलिंग यूनिट पर गौर करें तो ओबिड मेकॉय, अल्जारी जोसेफ, उस्मान कादिर और वहाब रियाज के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ओबिड मेकॉय और अल्जारी जोसेफ दो ऐसे बॉलर्स हैं जो इस टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं और रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। वहीं वहाब रियाज का एक्सपीरियंस इस टीम को और मजबूती प्रोवाइड करेगा। आइए फटाफट से दोनों टीम्स की प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 पर भी गौर फरमा लेते हैं। जमैका तालाबाज की ओर से ये मैच खेल सकते हैं हैदर अली, चैडविक वॉल्टन, किनार लुईस, जेसन मोहम्मद, रोमन पॉवेल, आंद्रे रसल, कार्लोस ब्रैथवेट, क्रिस ग्रीन, मिगेल प्रिटोरियस, कायस अहमद, फिडेल एडवर्ड्स। ऑन द अदर हैंड सेंट लुशिया किंग्स की ओर से खेल सकते हैं आंद्रे फ्लेचर, रकीम कॉर्नवॉल, रॉस्टन चेज, समित पटेल, टिम डेविड, फाफ डू प्लेसी, वहाब रियाज, उस्मान कादिर, केसरिक विलियम्स, ओबिड मेकॉय और अल्जारी जोसेफ। अब दोनों टीम्स की प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 के बाद बात करते हैं बेस्ट 11 की, यानी कि हमारे मेन कंटेंडर्स की। तो दोस्तों इस लिस्ट में आ सकते हैं आंद्रे फ्लेचर, चैडविक वॉल्टन, फाफ डू प्लेसी, रोमन पॉवेल, टिम डेविड, समित पटेल, आंद्रे रसल, कार्लोस ब्रैथवेट, वहाब रियाज, फिडेल एडवर्ड्स और ओबिड मेकॉय। तो भैया इन सभी एलिमेंट्स पर गौर करने के बाद दोस्तों एक बात तो साफ है दैट सेंट लुशिया किंग्स के पास ज्यादा बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं और वो ये मैच जीत सकते हैं। बट फर्स्ट मैच में जिस तरह से त्रिनबागो नाइट राइडर्स हारा था, बावजूद इसके कि उनके पास प्लेयर्स ज्यादा अच्छे थे, जमैका तालाबाज कैन ब्रिंग अ चेंज इन दिस मैच। बट राइट नाउ सेंट लुशिया किंग्स के पास ये मैच जीतने की ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। एंड एज यूजुअल दोस्तों आपकी क्या राय है हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और अपडेट के साथ। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।